नमन बच्छावत जी, शुक्रिया। नमस्कार व्यूवर्स का हृदय से स्वागत करता हूँ। व्यूवर्स, बहुत गंभीर विषय है और देश के सामने भी एक तनावपूर्ण माहौल है। पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है। हमारा एक जाबाज विंग कमांडर सबसे चिंतनीय जो बात है, जो हमारे लिए एक दबाव का पक्ष कहिए या एक नकारात्मक पक्ष कहिए, वो ये है कि हमारा एक जाबाज पाकिस्तान के कब्जे में है। कल से मैं कुछ मैसेजेस देख रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें अभिनंदन वर्धमान जी के बारे में ये कहा गया था कि ये ज़ेन हैं और ज़ेन के लिए गर्व की बात है कि हम जो है देश के लिए अपनी सेवा देते हैं। बंधुओं, जब इस देश का जवान सेना की वर्दी को पहनता है और सेना का स्टार अपने कंधे पर लगाता है, उस वक्त वो न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, न जैन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय होता है। इसलिए हम कभी कभी भावना की वजह से जब ऐसे उद्गार व्यक्त कर देते हैं, तभी हम ये भूल जाते हैं कि उस व्यक्तित्व को, उस जाबाज को, जिसने पाकिस्तान आर्मी के सामने भी आर्मी से संबंधित सवालों का जवाब नहीं दिया, हम उसके शौर्य और पराक्रम को कहीं ना कहीं छोटा कर देते हैं। अभिनंदन का जन्म ज़ेन में हुआ हो, लेकिन अभिनंदन आज इस देश के 130 करोड़ लोगों के हृदय में है। वो हमारे 130 करोड़ देशवासियों का हीरो है, वो नायक है और समूचा देश उसके लिए दुआ कर रहा है। बनारस में उसके लिए हवन हुआ है, मध्य प्रदेश में बच्चों ने मार्च किया है, हर घर में इस बात का जिक्र हो रहा है कि हमारा जाबाज कहाँ है, कैसे है। आपको एक बात बताऊं, कल 3 बजे मैंने पहले ये कहा था कि मैं YouTube पर लाइव कविता से बात करूंगा देश के प्रति, और 1 बजे जब ये दृश्य क्लियर हुआ कि हमारा एक जाबाज पाकिस्तान के कब्जे में है, मुझे पता नहीं था उनका नाम, लेकिन इंडियन जाबाज, इंडियन, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडियन है, वो भारतीय है, यही हमारी पहचान है। जैसे ही पता चला हमारा एक इंडियन विंग कमांडर, एक जाबाज पाकिस्तान के कब्जे में है, साहब हम कविता कहना भूल गए। हमने तुरंत वहीं पे पोस्ट किया कि आज हम कोई कविता की बात नहीं करेंगे। जैन, हिंदू, सिख, ईसाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, जब कोई इस देश का जवान देश के लिए समर्पित हो जाता है, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए, उस वक्त वो पूरे देश का बन जाता है, समूचा देश उसके दिल में धड़कता है और देश के दिल में वो धड़कता है। आज अभिनंदन का परिवार, वो सिर्फ अभिनंदन का परिवार नहीं है, अभिनंदन के लिए 130 करोड़ देशवासियों का परिवार है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हमें कहीं ना कहीं संयम रखना चाहिए। हम इस बात का गर्व करें कि उसने जैन में जन्म लिया है, अच्छी बात है। आपको एक बात कहूं, कल जब अभिनंदन कुमार का एक वीडियो आया था जिसमें चाय पीते हुए पाकिस्तान आर्मी के सामने वो अपनी बात कह रहे थे, उस वक्त अभिनंदन कुमार की रक्षा एक तरफ महावीर कर रहे होंगे, एक तरफ कृष्ण कर रहे होंगे, एक तरफ राम कर रहे होंगे, एक तरफ दुर्गा कर रही होगी, एक तरफ नानक कर रहे होंगे, एक तरफ बुद्ध कर रहे होंगे, एक तरफ यीशु कर रहे होंगे और एक तरफ रब कर रहा होगा। जो जवान
हिंदुस्तान की माटी के लिए समर्पित होता है, उसके लिए सारे धर्मों के इष्ट, सारे धर्मों के देवी देवता वो उसकी रक्षा के लिए समर्पित होते हैं साहब। इसलिए मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि अभिनंदन कुमार को जैन कहकर के गर्व मत कीजिए। कितने हैं जैन? कितने करोड़? अल्पसंख्यक है ना, वो 130 करोड़ का हीरो है, उसे छोटा मत कीजिए। हाँ, गर्व कीजिए कि वो जिस जाति जिस बिरादरी में जन्म हुआ है वो गर्व करे, लेकिन इस तरह के मैसेज न दे कि हमारा जैन जी नहीं, वो समूचे भारत का है। आप एक काम कीजिए, जिस बिरादरी से कोई वीर अगर इस स्थिति में होता है तो उसके परिवार को धीरज हिम्मत बंधाने का काम उस समाज को करना चाहिए, क्योंकि जैन समाज के लोग अभिनंदन जी के परिवार तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वो वहां तक पहुंचे, वो अपना दायित्व वहां निभाए कि उस परिवार को कहीं ये महसूस ना हो कि वो अकेला है। दर्द के इन पलों में उस परिवार को हिम्मत दी जाए। जहां तक सवाल है जाबाज अभिनंदन का, अभिनंदन अभिनंदन के साथ आएगा। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अभिनंदन के पक्ष में ट्वीट हो रहे हैं। फातिमा भुट्टो और कुछ पत्रकार प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान से ये कह रहे हैं कि उस जाबाज के साथ ह्यूमैनिटी के साथ व्यवहार किया जाए और उसे तुरंत भारत को सौंपा जाए, ताकि भारत के प्रधानमंत्री को यह महसूस हो कि पाकिस्तान शांति चाहता है। पाकिस्तान की मानवीयता कितनी है ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कल जो मानवीय स्वरूप देखने को मिला उसके लिए पाकिस्तान की मिलिट्री को धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो दबाव से ही आया हो, इस बदले हुए भारत की रूपरेखा से आया हो और पूरा विश्व ये देख रहा है इस वजह से आया हो, लेकिन ये अब निश्चित है कि हमारे अभिनंदन सकुशल इस देश की धरती पर जब आएंगे तो 130 करोड़ लोगों के स्वर उसके अभिनंदन का गीत गाएंगे। इसलिए मेरी दरखास्त है, हम अपने जवान को न तो जाति से बांधें न मजहब से बांधें, क्योंकि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो देखिए उन लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, उन लोगों को लगता है, दूसरे जो हमारे समुदाय के जाति के समाज के लोग हैं उन्हें यह महसूस होता है कि क्या अभिनंदन हमारा नहीं है। ये हल्ट होता है, इस तरह से किसी के हृदय को हम आघात करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अभिनंदन के लिए न जाने इस देश की कितनी करोड़ों माताओं ने दुआएं की है, कितनी महिलाओं को वो अपना बेटा सरीखा लगा है, कितनी बहनों को वो अपना भैया जैसा लगा है और कितनों को ही वो अपना रोल मॉडल लगा है। हम ऐसे जाबाज की सीमाएं तय नहीं कर सकते, ऐसे जाबाज की सीमाएं असीम होती है। वो देश का नायक तो है ही, पूरा विश्व भी उसे गौर कर रहा है और कहीं ना कहीं वर्ल्ड के यूथ का भी वो रोल मॉडल बन रहा है, आदर्श बन रहा है, वो प्रेरक बन रहा है, प्रेरणा दे रहा है। आज हमें जो करना चाहिए, हमें ईश्वर से दुआएं करनी चाहिए। हम जिस ईश्वर को मानते हैं हमको अपनी प्रार्थना में अभिनंदन की सुरक्षा के लिए, अभिनंदन के मन की मजबूती के लिए, उसकी शीघ्र रिहाई के लिए हम सबको अपने अपने ढंग से अपनी अपनी रस्मों के आधार पर प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ये हमारा धर्म बनता है। व्हाट्सएप पर फेसबुक पर ये इस जाति का है, हमको गर्व है, हमारी जाति का है, हम अपना नाम लगा लगा करके अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम अपना प्रचार करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। बंधुओं, ये प्रचार का वक्त नहीं है,
और न ही देश के सामने जाति समाज धर्म से अलग करने का वक्त है। आज समूचा देश एकजुट है। आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन नहीं हैं। हमारी पहचान सिर्फ इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, और इसी पहचान से हमारा देश एक होगा, हम मजबूत होंगे, और यही हमारी ताकत है। इसी ताकत की वजह से हमारे उस जाबाज को हमारा पड़ोसी देश सम्मान और सुरक्षा के साथ छोड़ने के लिए मजबूर होगा। मैं भारत सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उस पर हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। हमारे सेना ने जिस ढंग से प्रतिक्रिया दी है, कई कमांडर्स के कुछ लोगों के ट्वीट मैंने पढ़े हैं, उन्होंने जो हौसला दिखाया है, ये विश्वास दिया है कि हमारे कमांडर को कुछ नहीं होगा, हम सकुशल लेकर के आएंगे, ये उनके शब्द, उनका जज्बा, मैं इसे सलाम करता हूँ। दोस्तों, आज एक वीडियो आया था दिल्ली एयरपोर्ट का, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, मुझे गर्व हुआ। आखिर हमें अब वो तहजीब आने लग गई कि जब उस एयरपोर्ट पर कुछ सैनिक जब निकल रहे थे तो जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सब खड़े हो गए सैनिकों के सम्मान में, और सब ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और सैनिकों के सम्मान में नारे लगाए। अच्छी बातें हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारी तहजीब का आधार बन रही है, यह बहुत अच्छी बात है। हम अगर अपने इन लाडलों का, इन जाबाजों का अगर सम्मान नहीं कर सके तो फिर हमें बिल्कुल ऐसा है कि जैसे डूब कर मरने वाली बात है। कुछ माहौल अब सकारात्मक है। कल वाकई में बहुत चिंता थी क्योंकि अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही थी, अभिनंदन जी की को जिस ढंग से दिखाया जा रहा था, हम सब सकते में थे। लेकिन अब ये लग रहा है कि कूटनीतिक दबाव और पाकिस्तान कोई अनहोनी नहीं करेगा, हमें यह विश्वास हो गया है, क्योंकि वो ये समझ गया है कि अभिनंदन के साथ कुछ भी गलत करने का मतलब 22 करोड़ पाकिस्तानियों का भविष्य खतरे में करना है। उस वक्त हमारी सेना फिर कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, और विश्व मंच से हमें फिर कोई नहीं टोक सकता। इसलिए पाकिस्तान भी अपनी बर्बादी का मंजर समझ रहा है, इसलिए उसने कुछ इंसानियत का परिचय दिया है। और कुछ मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान में जो भले लोग हैं, उन लोगों ने अभिनंदन के लिए जिस तरह से तकरीर की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आर्मी किसी की दुश्मन नहीं होती, आर्मी अपना फर्ज निभा रही होती है देश के प्रति। इसलिए किसी भी देश में, चाहे अपने पड़ोसी का, चाहे अपने शत्रु का, अगर कोई जवान युद्ध करते हुए या कैसे भी अगर पकड़ा जाता है तो इंसानियत का परिचय देना चाहिए, और ये जनेवा संधि के अंतर्गत इसका खुलासा है। पाकिस्तान ने थोड़ा इसका उल्लंघन किया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज की, उसके बाद स्थितियां बदली हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारा जाबाज अभिनंदन वर्धमान सकुशल और पूरे हौसले और जज्बे के साथ अपने घर शीघ्र लौटे। हम उत्सुक हैं उस जाबाज का अभिनंदन करने के लिए, उसके भाल पर तिलक करने के लिए, और उसकी विजय गाथा की आरती उतारने के लिए। हमारा अभिनंदन इस देश के लिए मिसाल है, वीरता की मशाल है, और सिर्फ जैन नहीं, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में
हमेशा हमेशा के लिए बसने वाला वो नाम है। और अभिनंदन से अभी देश को बहुत सेवाएं लेनी है, और अभिनंदन तो अभी जवानी की उस दहलीज पर है जहां उनको इस मिसाल को बहुत आगे तक ले जाना है, बहुत कुछ करके दिखाना है। हम अभिनंदन जी की सकुशल वापसी की कामना और बहुत जल्दी सकुशल वापसी की कामना करते हैं। और एक अनुरोध चलते चलते प्रधानमंत्री जी से भी करना चाहता हूँ। हालांकि वर्तमान नेतृत्व ने इस विषय पर जो जो निर्णय लिए हैं बहुत सही निर्णय लिए हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जी जब देश में ऐसा तनाव हो उस वक्त आप चुनावी रैलियों में जाएं या पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें तो अजीब लगता है। आप देश के प्रधान हैं, आपको दिल्ली में ही रहना चाहिए। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इन तीनों के संपर्क में ही आप रहें। चुनाव की चिंता आप छोड़ दें। देश के लिए आपका योगदान, आपका निर्णय, आपको किसी चुनावी रैली करने की ज़रूरत नहीं है। देश की जनता बहुत समझदार है, मुद्दों पर चाहे जातियों में भटक जाती है लेकिन जब मसला देश का आता है तब जनता सारी निष्ठाओं को छोड़ करके देश की निष्ठा पर ठप्पा लगाती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बूथ को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का निर्णय अब छोड़ दीजिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर संभव हो तो चुनाव को भी 4-6 महीने आगे कर देना चाहिए। देश के लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, देश के लिए अभी स्थिर सरकार महत्वपूर्ण है। आपकी सरकार स्थिर है और आप तकरीबन 5 साल से डील कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर आपकी अपनी एक व्यक्तिगत छाप है, आपका खौफ है। इसलिए चुनाव अगर अभी निरस्त हों, 4-6 महीने दूर चले जाएं, देश को आप संभालें और पाकिस्तान को माकूल सबक दें, सीधा कर दें, शांत कर दें, ये हमेशा की जो खिचखिच है इसका इलाज कर दें। मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपको चुनावी रैलियाँ करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश के लोग जो कुछ घटनाक्रम घटित हो रहा है और आप जो एक्शन ले रहे हैं जिस हिम्मत और दिलेरी के साथ, इस देश के लोगों की जो निष्ठाएं पार्टियों के प्रति हैं या जातियों के प्रति है, वो निष्ठाएं देश के सामने बदल जाएगी और ठप्पा आप पर खुद लग जाएगा। आपको तनिक भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश के लोग एहसान फरामोश नहीं है प्रधानमंत्री जी। आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है सिर्फ दिल्ली में रहिए। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तीन की कमान आप अपने हाथ में रखिए। चुनावों को छोड़ दीजिए, कोई दरकार नहीं है चुनाव की। अगर तय समय पर चुनाव भी होंगे तो आपकी बहुमत की सरकार निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। प्राथमिकता हमारे जावाज पायलट को सुरक्षित वापस लाने की, और प्राथमिकता हम जिस मिशन के साथ निकले थे आतंकवादियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, उस मिशन को कामयाब करने की। क्योंकि आज सारा संसार, पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड की शक्तियां आज हमारे साथ है। ये आपकी कूटनीतिक जीत है। जो लोग आपको कहते थे कि हमारा प्रधानमंत्री हमेशा बाहर घूमता रहता है, आज का ये जो माहौल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो माहौल, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रधानमंत्री घूमा नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश के लिए वो एक माहौल तैयार किया है जो आड़े वक्त पर काम आता है। इसलिए आपसे गुजारिश कि हमारे अभिनंदन वर्धमान की सकुशल वापसी जल्दी से जल्दी हो। अगर कुछ घंटों में हो
तो ये हमारा सौभाग्य होगा। पाकिस्तान कह रहा है कि स्थिति सामान्य होने पर पाकिस्तान हमारे जाबाज पायलट को दबाव के रूप में, शर्त के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वो ये जानता है कि भारत जो एग्रेसिव मूड में है, वो अब इस पायलट की वजह से इसकी जान पर जोखिम नहीं आने देगा। ये सच है, हम अपने जाबाज की जान को जोखिम में नहीं डालेंगे, जहाँ तक संभव होगा हम नहीं डालेंगे। हम अपने अभिनंदन को वापस लाकर के क्या कर सकते हैं ये देखें। और अगर पाकिस्तान वास्तव में शांति से बात करने का इच्छुक है, तो फिर हमारे 26/11 के, हमारे पठानकोट के, उरी के और पुलवामा के जो दोषी हैं, वो दोषी हमको सरेंडर कर दे, वो हमें दे दे, उसके बाद शांति की टेबल पर हम बैठने को तैयार हैं, हम बैठ जाएंगे। तो बंधुओं, सबसे मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ करके, आप ईश्वर को मानते हैं, रब को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, भैरों को मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, हाथ जोड़कर अपने अपने इष्ट से ये कहिए कि हमारे अभिनंदन के समक्ष इस वक्त वो दैविक शक्ति के रूप में उसकी सुरक्षा का परपोटा बना दे, उसके मन को मजबूत दे दे, और पाकिस्तान के उन जो लोग हैं जिनके घेरे में हमारा अफसर है, उनके विचारों को शुद्धि दे दे, उनके मन में ये भावना आ जाए कि इस बंदे को यहाँ रखना हमारी जान में आफत है, और इसको जल्दी से जल्दी भारत भेज देना ये हमारी सुरक्षा की अपनी गारंटी है। ये बात उनके जहन में आ जाए, ईश्वरीय शक्ति सूक्ष्म जगत से क्या नहीं कर सकती, सब कुछ संभव है, बस दुआओं में ताकत होनी चाहिए। और हम सब हाथ जोड़कर जब ईश्वर से ये याचना करेंगे, हमारे मुस्लिम भाई अपनी नमाज में दुआओं में रखें, हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हुए दुआओं में रखें, हमारे क्रिश्चियन भाई बाइबिल को पढ़ते हुए दुआओं में रखें, हमारे हिंदू भाई गीता रामायण को पढ़ते हुए दुआओं में रखें। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति, सबसे मेरी यह गुजारिश है, आप जिसे भी मानते हैं, हाथ जोड़कर उससे ये मांग लें कि हमारा अभिनंदन सकुशल आए, त्वरित आए, जल्दी से जल्दी आए। आज हमारा यही दायित्व बनता है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। फेसबुक के जो मित्र जुड़े हैं, कमल बेत, मौली चक्रवर्ती, यश जैन, रेणु त्यागी जी, कमल कुमार सिपानी जी, रेणु जैन जी, भेरूलाल जैन जी, अशोक बरड़िया जी, नरेंद्र छिब्बर जी, मधु सक्सेना जी और नमन बच्छाव जी, आप सबका हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया। ये YouTube पे भी ये वीडियो जाएगा। आप डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ YouTube चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कुछ कहा है कहीं ना कहीं आपके मन की बात को भी मैंने रखने की कोशिश की है, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार पुनः अभिनंदन जी की सकुशल रिहाई, त्वरित रिहाई की मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।